हेलो हाय दोस्तों, दिस इज योर विज्ञान गुरु विकास सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1। तो इस पर्टिकुलर सीरीज को जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की, ये कुछ पार्ट्स में आपके पास में आने वाली है, ठीक है। तो इन सभी पार्ट्स को आपको वन बाय वन एक सीक्वेंस से देखते जाना है और साथ ही साथ इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते जाना है। ओके, चलिए। तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो इस चैप्टर के अंदर मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताते जाऊंगा। आपको बहुत ही फोकस इन क्वेश्चंस के ऊपर बनाकर रखना होगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो मेरे पास आएगा वो एक्सरसाइज का 1.1 है। ये क्वेश्चन मेरे को क्या बोलता है इसको जरा देखेंगे। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2×10⁻⁷ कूलम एंड 3×10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। एयर के अंदर मेरे पास दो चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, एयर के अंदर पूरा एनवायरमेंट कैसा है, एयर है, उसमें एक चार्ज ये रहा, ठीक है, और एक जो दूसरा चार्ज है वो मेरे पास ये रहा। दो चार्जेस है मेरे पास, चार्ज नंबर वन दैट इज Q1 और चार्ज नंबर टू दैट इज Q2। अब ये दोनों चार्जेस मेरे को कितने दिए हुए हैं, एक चार्ज दिया है 2×10⁻⁷। तो पहला चार्ज है 2×10⁻⁷ कूलम का और दूसरा जो चार्ज है वो कितना दिया हुआ मेरे को, 3×10⁻⁷ कूलम। तो इस तरीके से दो चार्जेस मेरे को दिए गए हैं और ये दोनों ही चार्जेस एक दूसरे से सेपरेटेड है बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। कितनी दूरी से सेपरेटेड है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दीज टू, ये दोनों कैसे पॉजिटिव चार्जेस है। फर्स्ट थिंग याद है कि दोनों फोर्सेस कैसे हैं, पॉजिटिव चार्ज के हैं। पॉजिटिव ही चार्ज मतलब सेम टाइप ऑफ चार्जेस है। तो आपको मालूम है कि जब सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं, कैसे चार्जेस होते हैं भाई, सेम टाइप ऑफ चार्जेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पर इन दोनों चार्जेस के बीच में एक फोर्स लगेगा एंड ये फोर्स कैसा होगा, ये फोर्स होगा रिपल्शन का। तो आप बात करते हैं ये फोर्स होगा कितना। तो रिपल्शन का फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं यूज करूंगा हमारा जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला मिला था इस चैप्टर में जिसका नाम था कूलाम लॉ, कूलाम का फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी यहां देखते हैं भाई, तो मैं यहां लिख लेता हूं यूजिंग कूलाम्स लॉ। तो कूलाम का लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि फोर्स एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 / r2। मतलब क्या हुआ, के एक कांस्टेंट है, के क्या है यहां पर एक कांस्टेंट है, Q1 मतलब पहला वाला चार्ज, Q2 मतलब दूसरा वाला चार्ज, इसके अलावा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है r, जो दिया है मेरे को 30 सेंटीमीटर, ओके। अब किसी भी न्यूमेरिकल को जब मैं करूंगा तो मेरे को हमेशा याद रखना एक चीज को कि जो भी डेटा मेरे को गिवन है वो सारा का सारा डेटा होना चाहिए किसमें, SI यूनिट में। जितना भी डेटा मेरे को गिवन है वो सारा का सारा डेटा कैसा होना चाहिए, SI यूनिट में होना चाहिए। तो देखो ये तो कूलाम में दिया हुआ है, ये कूलाम में दिया हुआ है, दोनों कैसे हैं, SI यूनिट में है। अब इसके अलावा बात करते हैं ये जो डिस्टेंस है वो कैसी है, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट होती है कौन, मीटर। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसको कन्वर्ट करता हूँ, इसको क्या करता हूँ बेटा, कन्वर्ट करता हूँ 30 सेंटीमीटर, ये रही मेरी आर। अब इसको आप ऐसे लिख दो 30×10⁻², तो ये हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, 10⁻²² का मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू के, जो भी हम कूलाम्स लॉ के अंदर दो चार्जेस को जब रखते हैं कहां पर, एयर में, एक चार्ज और एक चार्ज, ये दोनों चार्ज कहां रखे हुए हैं, एयर में, इन दोनों के बीच में क्या रखा हुआ है, एयर रखी हुई है। तो इन दैट सिचुएशन जब भी दोनों के बीच एयर होती है तब सिंपल ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ठीक है। और फॉर एयर, दो चार्जेस के बीच में जो एयर है, तो उसके केस में के की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 9×10⁻⁹, ठीक है। के की वैल्यू कितनी होगी, 9×10⁻⁹। नाउ Q1 की बात करते हैं, तो फर्स्ट चार्ज इज व्हाट, 2×10⁻⁷, और सेकंड चार्ज इज व्हाट, 3×10⁻⁷। डिवाइड, आर मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है, 30×10⁻²। लिख दो भाई दूरी,
30 × 10⁻²⁪ मीटर, लेकिन आर का क्या है, स्क्वायर है। आर का क्या है भाई, स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लगा देता हूँ। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। नाउ तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई, अब देखो 3 × 2 = 6 मल्टीप्लाई, अब यहाँ देखो 10⁻⁷ और 10⁻⁷ ये दोनों क्या हो जाएंगे, पावर्स एड हो जाएंगे, तो 10⁻⁷ और 10⁻⁷ डिवाइड में क्या आएगा, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 900, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, और 10⁻²⁻ थी और एक स्क्वायर लगेगा तो कितना हो जाएगा ये 10⁻⁴। बताइए यहाँ तो कोई बात दिक्कत आ रही है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझना है, क्योंकि कैलकुलेशन में ही आप लोग मिस्टेक करते हो, तो कैलकुलेशन को थोड़ा अच्छे तरीके से लेकर के चलना, बहुत तसल्ली के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है भाई। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, अब आगे बात करते हैं। अब देखिएगा इसके बाद हम क्या करते हैं, जितने भी 10 हैं, 10 की जितनी भी पावर्स उनको एक साथ लिख लो और बाकी जो नंबर्स हैं उनको एक साथ लिख लो। तो 9 × ये नंबर कितना है 6 और ये अपॉन में कितना है 900। अब 10 की जितनी भी पावर्स हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो 10⁻⁷ कितना था 9, यहाँ पर 10⁻⁷ कितना था −14 डिवाइड बाय नीचे 10⁻⁴ −4। इतनी बात क्लियर हो रही है, तो यहाँ तक का कंसेप्ट मेरे को क्लियर समझ में आ रहा है। तो देखिएगा क्या होगा, एफ फोर्स एफ इज इक्वल टू 9 × 9 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 से मैं डिवाइड करूंगा 900 को, तो कितना हो जाएगा 100, तो ये बच रहा है 1 × 6 डिवाइड बाय 100 और यहाँ मल्टीप्लाई में 10 की पावर्स की अगर बात करते हैं तो 9 और −14, तो 9 − 14 अपॉन में कितना माइनस का 4 है जो ऊपर जाएगा, अपॉन में −4 तो पावर ऊपर जाएगी, तो कैसे हो जाएगी प्लस की, तो ये हो गई पावर प्लस की 4। बताइए इतनी बात क्लियर हो रही है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट चल रहा है। नाउ 6 × 6 × 10⁻⁴ ये कितना हो जाएगा भाई, ये 13 माइनस होगा तो माइनस का 1 बचेगा, कितना 9 × 4 कितना होगा 13 और 13 − 14 कितना होगा माइनस का 1 और डिवाइड में कितना है 100, ठीक है। क्या इस 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10⁻², बिल्कुल लिख सकता हूँ, अभी जो पावर 2 है वो ऊपर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा एफ फोर्स इज इक्वल टू 6 × −1 तो पहले ही था, ये 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो F इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ − 3 एंड फोर्स को मैं निकालता हूँ ऐसा यूनिट न्यूटन में, तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 × 10⁻³ − 3 न्यूटन। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने ये चीज को कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ओनली कैलकुलेशन ही मैटर करती है, बाकी कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आपको डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है और केयरफुली उनको सॉल्व करते चले जाना है।